कहीं ना कहीं घूम फिर करके वो श्रेय लेने का वो जो होता है वो अपने पे हावी हो जाता है, पता ही नहीं चलता। किसी ने साहब को पूछा था कि उसमें सब ऐसे हैं और आपने ऐसा दिया है अग्नय स्वाग्नय इदम नमम, तो ये इदम क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा कि वो जैसे इंग्लिश में होता है ना कुछ वो अक्षर जिनका उच्चारण नहीं किया जाता होते हैं साइलेंट, तो बोले वो साइलेंट है, यहाँ का इदम साइलेंट है, यानी इसमें शामिल है ना, अग्नय स्वाहा अग्नि को अर्पित करता हूँ, अग्नय इदम नमो अग्नि का है मेरा नहीं है, अब इदम अग्नय यह अग्नि का है यह मेरा नहीं है, तो यह दो बार आ रहा है भाषा की दृष्टि से देखें तो रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ यह जो है वो पहले से ही मान्य है कि किसके लिए कह रहे हैं हम यह, तो इसके लिए कह रहे हैं साइलेंट है इसलिए ज़रूरत नहीं है वहाँ, तो इसलिए अग्नय स्वाहा अग्नय इदम नमो इस इदम की ज़रूरत नहीं है। ये बार में कभी जुड़ गया हूँ तो सामने उसमें से हटा दिया है, बाकी का ये जो मंत्र है उसमें का ये प्रार्थना भाग भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ये मंत्र महत्वपूर्ण है। अग्नि को अर्पित है ये तो ठीक है, अग्नि को अर्पित है पर मेरा नहीं है, यही तो अपने को सारा यज्ञदान तप कर्म स्वाध्याय सबके माध्यम से सिखाना तो यही है ना कि मेरा नहीं है, पहले मैं को तैयार करो अच्छे से बचपन से ऐसी लड़ाई है कि मैं को तैयार करो, पढ़ाई लिखाई ये सब जगह मैं शामिल होना चाहिए, मैं आगे रहना चाहिए, मैंने कुछ करना चाहिए, मैंने कुछ नाम कमाना, खूब मैं को पोसो और फिर उसके बाद मैं से लड़ो कि ये मैंने होना चाहिए अपना जीवन का क्रम ऐसा ही है कि पहले मैं को विकसित करो और फिर मैं से लड़ो, इसको ख़त्म करो क्योंकि मैं किए बगैर कुछ कर भी नहीं सकते आप, इसलिए मैं भी चाहिए होता है, तो जो व्यवहारिक उन्नति सारी करनी है उसके लिए तो मैं चाहिए होता है, उसके बगैर आप करोगे ही नहीं, कर ही नहीं पाओगे, पर वो हमेशा के लिए नहीं चाहिए ना, पर ऐसा होता नहीं है, फिर वो आदत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है तो फिर वो मैं बाद में तकलीफ दे हो जाता है, इसलिए फिर बाद के समय में मैं नहीं चाहिए होता है तब भी वो मैं बना रहता है, उससे लड़ाई है फिर अपने को उसको निकालना पड़ता है, तो कहीं कहीं वो बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है कि फिर उसका कोई उपाय ही नहीं रह जाता अगर उसे दूर नहीं किया तो नुकसान ही नुकसान करता है। नहीं ये मैं तो रहेगा ना क्योंकि आपका अस्तित्व है, ये तो ठीक है इसमें तो कुछ नहीं, ऐसा तो मैं रहेगा, पर वो जो मैं है जो जिसको हम करता मान रहे सारा कर्तित्व का श्रेय जिस मैं को दे रहे हैं वो मैं नहीं होना चाहिए, श्रेय हमारा नहीं है, ये एक चीज़ अपन अपने में लाना का प्रयत्न करें तो अहंकार पर बहुत कुछ मतलब हमारा सही दिशा का चिंतन है, अहंकार पर हम कुछ थोड़ा सा नियंत्रण कर सकते हैं, हुआ है सब कुछ अपने माध्यम से भी कुछ अच्छा हुआ है या कुछ हमने बड़ा काम भी कर लिया है तो भी वो उसका श्रेय हमको ईश्वर को देना है, इसलिए इदम नमम की प्रार्थना से ये रोज अहंकार से तो लड़ना है इदम नमम क्या रोज की प्रार्थना यही कि मैं भी मेरा नहीं हूँ ऐसे रामायण सारी हुई वो सिर्फ मैं की वजह से हुई अहंकार, रामायण का भी वही है महाभारत का भी कहानी एक ही है अहंकार, कोई कारण नहीं कुछ भी, सिर्फ अहंकार के पीछे ही सारी इतनी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं। रावण को मालूम था कि राम अवतार हैं, राम
के पास सामर्थ्य है, और उसको एक उसने खुद ही मांगा था कि उसका वध जो करें वो उतारी, ये सब कुछ मालूम होने के बाद भी अहंकार हावी रहा ना, इसलिए समझौता नहीं किया कहीं पर। और ऐसे ही वहाँ दुर्योधन ने कहीं समझौता नहीं किया, सब कुछ समझ में आ करके भी कृष्ण गए हैं, कृष्ण ने प्रयत्न किया कि समझौता हो जाए, परशुराम जी गए राज दरबार में, उन्होंने समझाया, उन्होंने कोशिश की कि लड़ाई नहीं हो, सब कुछ करने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। मतलब सामने मृत्यु देख करके भी जो मैं है वो पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ, बस। तो दोनों ने जो बड़ी कहानियां हैं जो धार्मिक भी हैं ऐतिहासिक भी हैं, दोनों का कारण केवल अहंकार है। स्मृतियों में तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, उससे जो हमको सीख लेना थी वो सीख लेने के बाद उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, बस। हर जो अच्छा और बुरा होता है वह सब हम उसमें से कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो जो भी सीख हमें लेना है उसके बाद हम उसको उसका वो जो प्रभाव है उस प्रभाव से अपने आप को मुक्त करने का प्रयत्न करें, याद रहें भले ही। पर वो उस समय में जो दुख पहुंचा था वो आज याद करने के बाद वैसा ही दुख नहीं पहुंचना चाहिए, तो याद तो रहेगा, जीवन का प्रसंग है तो हमेशा याद रहेगा, पर उसका वो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं होना चाहिए, ये प्रयत्न हम कर सकते हैं। क्योंकि वो तो है, घटा है, तो याद तो रहेगा, उससे मुक्त तो हो नहीं सकते। अब हम कहते हैं इदम नमो सवेरे शाम दिन में चार बार, पर व्यवहार में कितना याद रहता है वो आप बताओ। नहीं आप बोलो कि व्यवहार में हम उसको कितना याद रख पाते हैं, अपने दैनंदिन व्यवहार में हम उसको कितना याद रख पाते हैं। जो हम बोलते हैं वो सभी अग्निहोत्री बोलते हैं, तो वो हमारे रोज के व्यवहार में हमको कब कब याद आता है, दिन में याद आता है क्या? ऐसा संभव नहीं है। वो मन चंचल है तो चंचल ही है, उसका स्वभाव ही है चंचल होना, तो प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए बस। और वो ऐसा अपने को लगता है पर फिर भी फ़र्क पहले से काफ़ी कुछ पड़ जाता है, फिर भी क्या है क्योंकि वो इधर उधर की बातें फिर भी आती रहती हैं, तो ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं, जहाँ के तहाँ, पर वो जहाँ के तहाँ नहीं रहता। जो बहुत भयंकर हलचल थी उससे कम होते 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 काफ़ी फ़र्क, मतलब वर्षों के अभ्यास में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। पर खुद को संतुष्टि हो वो वाला फ़र्क तो तब पड़ेगा ना जब वो काम ही हो चुकेगा। तो उसमें तो समय लगता है। और श्री जी ने अपने काव्य में लिखा है ना उसमें परम सद्गुरु में, मन को कोई बिरला ही जीत पाता है, तो मैराथन दौड़ जैसा है, हजारों निकलते हैं एक पहुंचता है, तो वो दौड़ते तो हैं तो आगे तो जाते हैं ना, ये पहुंचने वाली बात हो गई, पर चलते तो सभी हैं, तो वो जब चलने का मतलब हुआ कि उसमें नियंत्रण तो हो रहा है पर उतना नहीं है, वो आखिरी पॉइंट तक नहीं पहुँचे हम, बस इतना ही है, पर कुछ नहीं हुआ ऐसा भी नहीं है। जब आप प्रयत्न करते हैं तो निश्चित रूप से उसका परिणाम तो होता ही होता है। तो साहब से मिलने के लिए उनके पुराने मित्र आए थे, जो कभी रेलवे में उनके साथ थे, कलकत्ता में जब वो नौकरी करते थे तब उनके साथ थे, तो वो साहब से मिलने के लिए विजयनगर में आए, तो साहब का वो कोई अलग, मतलब एक लुंगी पहने हुए बैठे, एक कुर्ता पहने हुए बैठे, और उन्होंने तो साहब को ऐसा देखा था कि जैसे कोई राजा महाराजा, और फिर वो साहब से बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत करने के टाइम एक त्रिवेदी जी थे, तो जेके बैटरीज को तमिल बंदों को जेके बैटरीज शुरू हो गया उसके लिए, तो जेके बैटरीज के मैनेजर जनरल मैनेजर थे, वो उनके साथ आए थे। उनके साथ पुराने मित्र नवलखा, तो उनके साथ कार का एक्सीडेंट हुआ था, उनके साथ नवलखा थे, वो आए थे। तो वो त्रिवेदी जी कहने लगे कि हमने तो ये सुना है कि जब कोई अध्यात्म के मार्ग पर जाता है तो उसका अहंकार कम हो जाता है, और यहाँ तो हमें आपका तो अहंकार कहीं गए ही नहीं, आपका तो अहंकार वैसे का वैसे ही है। तो साहब ने कहा था ये हमारा अहंकार नहीं है, मतलब ये मेरा अहंकार नहीं है, ये हमारा अहंकार है, और मतलब पहले तो हम ही हम थे, वो अहंकार तो गया है, लेकिन हम उस ईश्वर के सेवक हैं,
ये उसका जो मैंने जवाब दिया। तो आप देखेंगे कि जितने भी हैं विवेकानंद है हनुमान जी है या इन सबके पास अहंकार नहीं था, लेकिन उनका अहंकार वो था स्वामी सेवक का अहंकार। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि अगर मैं प्रचारक और तो मेरे पास तो अहंकार होना ही चाहिए, अहंकार के बिना हम प्रचार कैसे कर सकते हैं, सेवक का अहंकार तो होना चाहिए ना। कि हम इतने बड़े साल एक बार कहते थे कि प्रचार कार्य यदि सेल्समैनशिप है, जो अच्छा सेल्समैन है वो अच्छा प्रचार कर सकता है, उससे कहा था सर। वो सेल्समैन कैसा होता है, अच्छा सेल्समैन कि वो मिट्टी लेके जाएगा और सोने की भाव बेच के आएगा। लेकिन हमने तो तुम्हें हीरा दिया हुआ है, तुम उसको मिट्टी के भाव क्यों बेच रहे हो? काय को मतलब किसी के सामने गिड़ी बढ़ा रहे हो कि अग्निहोत्र कर लो, अग्निहोत्र कर लो। तुम्हारे पास अहंकार होना चाहिए इस बात का कि हमको मिट्टी के मोह तुम्हें हीरा लेने आए, करना है तो करो नहीं तो चलते बस। और एक और बात अभी इनके जवाब में आपने कही कि स्वयं को संतुष्टि जो मन है आपको मुख में बहुत टाइम लगता है, लेकिन स्वयं को संतुष्टि होना ये स्वयं कहाँ से आ जाता है? क्योंकि तो अहंकारी है ना, स्वयं को संतुष्टि होना ये भी तो अहंकारी है। मुझे संतुष्टि होनी चाहिए, मेरा अहंकार चला गया। अहंकार की बात नहीं हो रही, मन को नियंत्रित करने की बात हो रही। हम चलते रहते हैं, कहीं कहीं अटक भी जाते हैं, कुछ दिन वहीं विश्राम करते हैं फिर चलने लगते हैं। बहुत सारी व्यवहारिक बातें होती हैं जो कहीं ना कहीं उनको डिस्टर्ब करती हैं। तो इस तरह से अवधि किसी की निश्चित नहीं की जा सकती, कोई पूरे पूरे मतलब पूरी अपनी ताकत से करता है, कोई अपना थोड़ा सा समय उसके लिए देता है, अपनी पूरी ताकत नहीं लगाता है। तो इसलिए प्रत्येक का अलग होता है समय, इसका कुछ भी निश्चित नहीं है। क्या कितने महीनों में, कितने सालों में, कितने जन्मों में उस चीज़ को प्राप्त करोगे ये कोई नहीं कर सकते। ये आप इसलिए क्या है कि हमने उसमें धर्मपाठ में लिखा है कि हम तो चाहते हैं कि सुख की खोज का नशा, दान तप कर्म और स्वाध्याय का नशा सबको हो, क्योंकि सब चलेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा नहीं है कि उपलब्धि नहीं है, तो उपलब्धि तो होगी। तो महत्वपूर्ण यह है, महत्वपूर्ण क्या हुआ, चलना हुआ, आचरण। हम आचरण करें और आकलन न करें, क्योंकि आकलन करने से निराशा आती है। अपन अपने को एक है कि कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक पहुँचे, पहुँचे कि नहीं पहुँचे कि वही के वही है, इस तरह का आकलन नहीं करें। चलें, चलने का मतलब है कि प्रगति है, प्रगति है। और जितना उसमें हम हमारा मन जो जो आप अभी कह रहे थे कि हम वो वाला सारा जो प्रयत्न है, जो भी हमारे वो शत्रु रूप है उन पर नियंत्रण का प्रयास, और अपना जो दिन भर का आचरण है उस पर अपनी नजर, एक अपन भी अपने पर एक कैमरा फोकस करके रखना चाहिए सतत। क्या हो रहा है ऐसा अपने को पता होना चाहिए कि मन में क्या, विचारों में क्या आ रहा है, जा रहा है, क्या हो रहा है, इस पर चिंतन और इसमें सुधार का प्रयत्न। इस पर ज्यादा ध्यान के साथ साथ सबसे बड़ी चीज यह है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जो आपकी प्रगति में सबसे ज्यादा सहायक है। केवल ध्यान नहीं, तो ये जो चिंतन है और खुद को सुधारने का जो अपना प्रयास है, ये बहुत बड़ा मदद करता है आपके ध्यान। तो ये पर पता खुद को कुछ भी नहीं करता है, कहाँ पहुँचे या कैसे हो, फिर भी अपन अगर उसका अपना अपने को देखें अगर कभी कभी कभार, तो ये समझ में आता है कि परिवर्तन है। पर परिवर्तन है इसका मतलब प्रगति, उसके बगैर परिवर्तन कैसे है?
प्रयत्न ही सिर्फ अपने हाथ और समय की कोई भी कमी नहीं। साहब को 21 महीने लगे, किसी को 21 जन्मों भी लग सकते हैं। तो इसलिए वो कुछ नहीं कह सकते कि क्या कितना समय लगेगा, पर चलना चाहिए। इसका हमने जैसे देखा है नशा सबको होना चाहिए, क्योंकि उसमें मजा तो होता है ना, मजा आता है। वो आप अपने साथ की जो लड़ाई है, खुद से आप जो लड़ रहे हो, वो बाहर वालों से लड़ने से ज्यादा मजेदार है। क्योंकि बाहर वाला जो है वो आप पर कौन से दाव चलेगा आपको नहीं मालूम है, पर आपको अपनी लड़ाई में मालूम है कि आपका वो जो आपका जो मैं शत्रु रूप में है वो क्या क्या करने वाला है। तो थोड़ी सी लड़ाई की दृष्टि से आसान मजेदार है, पूरी लड़ाई है और कुछ नहीं। इसके सामने उसको तप में संघर्ष का नाम दिया, खुद का खुद से लड़ना है। दूसरे से लड़ना वैसे तो आसान होता है, पर खुद से लड़ना, खुद से लड़ने में अपने को ही दो हिस्सों में बढ़ जाना पड़ता है। खुद को हम दो हिस्सों में बढ़ गए, एक हमारे हमारे पक्ष में हो गए और एक हमारे विपक्ष में हो गए। अपने विपक्ष में होना सबसे कठिन काम है, क्योंकि अपन सबसे ज्यादा दुनिया में किसी से प्यार करते हैं, खुद से करते हैं। इतना प्यार हम किसी से नहीं करते, किसी से भी हम खत्म। और फिर अपने विरुद्ध खड़े होना, अपने दोष ढूंढना, अपनी कमियां ढूंढना या अपनी कमी स्वीकार करके उसको सुधारने का प्रयत्न करना, ये थोड़ा कठिन होता है। और खुद को ही दोनों में बांटना पड़ता है। उसका वर्णन किया है ना कि शरीर मन बुद्धि आपके साधन है, ये मैदान है। इस तरफ चोरी के इस तरफ भी आप हो शरीर मन बुद्धि से, और उस तरफ भी आप ही हो शरीर मन बुद्धि से। तो जो आपके आपका साधन है वही ना मित्र रूप में हो और कब आप शत्रु रूप में हो। आपका साध्य क्या है तो मन को नियंत्रण करना, ये आपका साध्य है। और आप दो तरह से बटे हुए, ये लड़ाई पर आनंददायी हो। तो ऐसे में जब कहीं कहीं हम जीतते हैं तो खूब मजा आता है, खुद को ही मजा आता है। इसमें कहीं कोई शामिल नहीं है कोई, अब साहब ने तो दर्शक बता दिए कि देवी देवता है, वो तो अपने से कोई बात करते नहीं, क्योंकि अपने को पता चले ऐसे दर्शक हैं जिनसे उन्होंने क्या देखा वो अपने को पता ही नहीं चलने वाला है। और दर्शक तो कोई नहीं, हम ही है। तो विश्लेषण करने वाले भी हम ही है। एक बात यह है कि विश्लेषण इस तरह से नहीं कभी सोचना चाहिए कि प्रगति नहीं हो रही है या हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं या हम जहाँ से कहा है या कितना समय लगे, चलना हमारा काम है, चलते हैं। क्योंकि आंसर कैसा है उसका, जिस हमने उसमें लिखा है कि जिसको आपने अपना आदर्श माना है वो आपके प्रयत्न देख देख करके देख देख किसी दिन उसको आप पर दया आती है। फाइनल जो है वो उसके हाथ में है ना, वो अपने हाथ में तो नहीं है, तो उसको कब दया आएगी। तो आप संघर्ष करते रहो करते रहो करते रहो जब तक उसे दया नहीं आती, उसकी दया से ही आपको आपका अंतिम देव प्राप्त होता है। इसलिए विश्लेषण से क्या होगा, कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने मतलब इसका मतलब ये हुआ दूसरे शब्दों में कि प्रयत्नों की पराकाष्ठा होनी चाहिए, प्रयत्नों की पराकाष्ठा होनी चाहिए, तब तो आएगी ना दया सामने वाले। तो इसलिए प्रयत्न करना अपने अपने हिस्से में कुछ आता है तो प्रयत्न है करते रहना। कितने प्रयत्नों की जो पराकाष्ठा करेगा वो टूट जाएगा कि वो कुछ हो ही नहीं रहा, शत्रु देख ही नहीं रहे हैं, उसको मतलब कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा अपने को लगता है कि अपन बहुत कर रहे हैं, क्योंकि हर कुछ जो अपन करते हैं अपने को लगता है अपन बहुत कर रहे हैं, तो देखने वाले को तो लगने को तो जो बहुत है, आप तो खुद को ही कह रहे हो फिर नहीं आ रहे बैठे, हम अपने को प्यार करते हैं ना, इसलिए हमको लगता है हम बहुत कर रहे हैं। तो वास्तव में हम होता है क्या, तो वो तय करेगा। पूर्णता तो कहाँ होती है, शुरू से प्रयत्न हमारे हाथ में है, बिल्कुल पहली सीरीज से हमको प्रयत्न करते रहना चाहिए और उससे उपलब्धि भी है।